मीडिया के प्रेस बंधु, थाना के लोग, जितना भी उपस्थित था सबके एक साथ जोहार करिए, गोर लगाइए, प्रणाम कराइए। झारखंड अलग होले 22 साल हो गए, लेकिन आज तक झारखंड में जो लूट झारखंड बने से पहले हलै ओकर से और भी ज्यादा बढ़ गए। झारखंड बनल के बाद जे झारखंड अलग करे से पहले सपना देखल गेल हलै कि झारखंड अलग होता है तो झारखंड के आदमी के रोजगार मिलता है, झारखंड के आदमी के नौकरी मिलता है, यहाँ जे जल जंगल जमीन है यहाँ झारखंडी के अधिकार मिलता है, झारखंडी के शासन चलता है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा अभी तक ना हो पा रहे है, इसीलिए पिछले एक साल से ये उलगुलान झारखंड के हर कोने कोने में पहुंचावल जाए लगल है कि अब समय आ गए है हमनी बारी बारी से सबके देख ले रही है। इसलिए अब हमनी दूसरे के भरोसे ना रह के हमनी सबके इस झारखंड के सजावे के लिए और झारखंड में जो लूट होवे लाल है ओकरा रोके के चलते अब हमनी के आगे आवे होते। झारखंड में भाषा के अतिक्रमण तो होते है, आज हमनी के मूर्ख मंत्री पता ना एकरा कहाँ बुद्धि है अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के झारखंड के क्षेत्रीय भाषा में डाल दल। तो जे अंग्रेजी में पढ़े वाला लड़का के साथ हमनी के यहाँ क्षेत्रीय भाषा में पढ़े वाला आदमी कैसे कंपटीशन करता है, कैसे वो कर साथ कंपटीशन करके रोजगार या नौकरी में जगह पाते है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि झारखंड से बाहर जे राष्ट्र के और भी भाषा है, जे अन्य राज्यों के भाषा है, सबके झारखंड के क्षेत्रीय भाषा में डाल दिया गया है। हम एक बहुत विरोध कर रही है और जब तक एक वापस ना लेते हैं हमनी के आंदोलन करते रहे खोते। साथ ही झारखंड में चाहे भाषा का सवाल हो, संस्कृति का सवाल हो, रीति रिवाज का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, सब चीज तो लुटाहे लागल है। लेकिन अभी जमीन के एक बड़ा लूट पिछले 3-4 तरह के लूट हो चुके हैं, अभी स्टेंट में एक बड़ा जे खेल होने है ओकरा समझे के जरूरत है। आज हमनी के पास ये 1932 के खतियान हो, ये कैसे हलै, हमनी के बाप दादा कहीं कब्जा कर ले हलै, जोतले हलै, वह जमीनवा के आज हमनी के पट्टा मिल रहे तब हमनी के पास खतियान है। आज CNT के कानून के तहत जितना गांव के घर में जुड़वा जमीन है उस जमीन में हमनी जब जोत भी कोड़ भी तो CNT के तहत हर 100 साल में सर्वे भेता है और फिर वह जमीनवा के हमनी के खतियान बना के मिलता है। लेकिन इस जमीन के, इस जे गांव के जमीन है, इस जमीन के रघुवर दास सरकार ने भूमि लैंड बैंक बना के वो सरकार अपने अधीन में ले लिया गया है। तो सोच ये तमाम गैर मजरूबा जमीन के जे सरकार अपने कब्जे में ले ले हो, आज वो जमीन गांव के जमीन हलै, उस गांव के जमीन चाहे वो नोट विलेज के उठा के दे, चाहे वो CNT के आधार पर दे, चाहे वो SPT के आधार पर दे, तमाम जे रूल है वो कर तहत यही नियम है कि ये जे जमीन गांव के जमीन है, ये गांव के आदमी जहाँ जे भी चाहते गांव वाला कि ना यहाँ ग्राउंड बनता है तो ग्राउंड बनता है, यहाँ स्कूल बनता है तो स्कूल बनता है। लेकिन ये जमीन के सरकार छीन के और एक पूंजीपति सबके दिए के काम करे लागल हो, तो जिस तरीके से जमीन के लूट है वैसे आज खनिज के भी लूट है। इस खनिज के मालिक झारखंडी के अलग है ऐसा संविधान कहा है, लेकिन ये जो खनिज है ये देशी विदेशी कंपनी के मिला है और ओकर में जे काम करे के काम है बहुत सारा, जे ट्रांसपोर्टिंग के काम है, ठिका फटा के काम है, वो झारखंडी के दियल जा सका है, जे यहाँ प्रभावित हो रहा है, जे यहाँ विस्थापित हो रहा है, ओकरा अगर सारा काम नॉन टेक्निकल तमाम काम अगर दे दियल जाते तो यहाँ का आदमी को रोजगार मिल जाता है। लेकिन ना वो मिल तो CM के भतीजा के, तो कोई विधायक के बेटा के, तो इस तरीके से सब नेता के, कोई अफसर के, कोई बिहार के लागो नेता, कोई अफसर बिहार के, यूपी के, वहाँ के, सब अपन अपन आदमी के ये सारा काम मिले लाल हो, यहाँ के आदमी सिर्फ मजदूरी करे लाल हो। आज दिहाड़ी मजदूरी के लिए हमनी झारखंडी के आदमी दिल्ली में जैसे शहरों में जाए रहे मजदूरी, अरे तमिलनाडु में देखी वहाँ तो हिंदी स्वीकार ना करल जा रहा है, हमने सलाह अंग्रेजी के पता बता हमी के मूर्ख मंत्री के का कहल जा रहा है।
अंग्रेजी हमी के क्षेत्रीय भाषा हो गए तो हमने के आदमी जो रोजगार के लिए भी बस ही हमने के पास 42% खनिज संपदा है, लेकिन हमने के समझे जरूरत है इस संपत्तिया में अधिकार के कर है, इस रोजगार में अधिकार के कर है। जिस दिन हमने इस खनिज पर मानकियत के बाद बुझ जेबी और जिस दिन लेबी एक लिए हमने के सरकार बनावे तो वो कौन सरकार, गाँव के सरकार। हमने बड़ी सरकार देख ली, हमने गाँव के सरकार के ही नियम के तहत हमने 35 कोल ब्लॉक के पिछले 10 साल में रोके के काम कर ली है। ये गाँव के सरकार है ना, ये जो गांव के सरकार जो सबके मिल के बनाए, वो सरकार अगर जिस दिन अपने ताकत के समझ ले और अपन सरकार चलने सीख ले, चूंकि कोई सरकार एक बनावे ना चाहे ग्राम सरकार, ये सरकार ऐसा सरकार है जरा न कोई बनावा है न कोई गिरावा है, सब मिल के गाँव का आदमी मिल बैठ के गाँव के फैसला करे है। लेकिन उस गांव के सरकार के 29 तरह के अधिकार है। इस गांव के आदमी जब ये समझता है कि हमारे संपत्ति पर हमारा अधिकार है, हमारे सरकारी पैसा पर हमारा अधिकार है, कौन सा योजना हमारा चाहिए ओकर पर अधिकार है, विकास कैसा होना चाहिए एकर पर अधिकार है, तमाम चीज के जब गांव का आदमी बैठ के तय करे लगता है और सब सरकारी अधिकारी के जब डंडा करे शुरू करते हैं, जब ओकरा हिसाब लिए शुरू करते हैं, जिस दिन इस लायक होगी उसी दिन झारखंड बैठ सको, झारखंड के जमीन बैठ सको, झारखंड के खनिज बैठ सको, तो भाषा संस्कृति नौकरी बैठ सको, रोजगार बैठ सको। इस तमाम चीज के लिए हम यह कहब कि नारा दिए का काम करा थी कि लोकसभा न राज्यसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, इस ग्राम सभा को मजबूत करिए तभी हम सब कुछ बचा पाएंगे। हम लोग अब विधानसभा लोकसभा बनाते रहे, अब ग्राम सभा बनाना पड़ेगा, अब अपनी सरकार हम बनाएंगे। साथ ही हम जो गांव की सरकार है उसको अधिकार दे, उसको इंप्लीमेंट करे, उसको सारा पावर दे डिसीजन करने के लिए, योजना बनाने से लेकर योजना लागू करे तक के इस ग्राम सरकार का अधिकार दे। ऐसा अब आपको सरकार खड़ा करना पड़ेगा, इसके लिए उलगुलान करना पड़ेगा। इसीलिए इन्हीं बातों के साथ कि आप का जो तमाम तरह के झारखंड में जो सपना देखा गया था, हर एक चीज जो लूट हो रहा है उसको बचाने के लिए अब खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो रोजगार का बात हो, नौकरी की बात हो, खनिज की बात हो, जमीन की बात हो, रीति रिवाज की बात हो, संस्कृति की बात हो, तमाम चीजों को बचाने के लिए आप सभी आगे आइए। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, धन्यवाद।